की उम्मीदवार है जिसने पिछले लोकसभा के चुनाव में एक सीट भी नहीं जीत पाया और वो अब प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करती है। 40 सीटें हम सबों ने देने का संकल्प भी लिया है। अच्छी बात है कि अंतिम चरण में उन्हें बिहार की याद आई, लेकिन आप जानते हैं कि पूरा भारत बिहार सहित ने मन बना लिया है कि नरेंद्र मोदी जी को अगला प्रधानमंत्री बनाएंगे और स्वाभाविक है कि बिहार की 40 की 40 सीटें हम सबों ने देने का संकल्प भी लिया है और उस ओर हम तेजी से आगे भी बढ़ रहे हैं और हम सब 400 के पार की ओर आगे अग्रसर हैं। इसलिए अब राहुल गांधी जी बिहार आवे न आवे उसका कोई राजनीतिक लाभ उन्हें नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो इसलिए आ रहे हैं कि अब तुरंत उनको गर्मी की छुट्टी में भी जाना है और हमारे प्रधानमंत्री जी को चाहे सभी 365 दिन काम करना है तो एक बहुत मौलिक अंतर है, इसलिए उससे कोई फर्क ना बिहार के मतदाताओं पर पड़ने वाला है ना देश की राजनीति पर पड़ने वाला है। नहीं देखिए, पहले वो अपनी सीट की चिंता करें, वो लगता है कि ज़्यादा बेहतर होगा, वो पूरे हिंदुस्तान की बात वो लोग करने लगती हैं और वो ऐसे पार्टी की उम्मीदवार है जिसने पिछले लोकसभा के चुनाव में एक सीट भी नहीं जीत पाया और वो अब प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करती है, पूरे देश की राजनीति पर बात करती है, पर वो अपनी सीट बचाने की चिंता करें ना। याद आने लगी और पूर्व में जिस प्रकार से मुसलमानों को आरक्षण देंगे और जो कई बातें ये लोग कहा करते थे और धीरे धीरे जब परिस्थितियाँ पलटने लगी तो अब वो बयान में सुधार कर रहे हैं कि उनको बता दीजिएगा कि वो काफ़ी देर हो गया। बिहार की जनता और भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया।